आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज मालेगांव शहर में जगह जगह पर जश्न आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं मालेगांव शहर के अंदर अकरमा मदरसे की जानिब से भी एक रैली वार्ड में बच्चों के लिए निकाली गई है, जिसमें मालेगांव शहर की वो शख्सियत जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान भर और दुनिया भर में जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, जो आपकी स्क्रीन पर जो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं, देश भर में मुसलमानों के हित की बात करने वाली मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन जो आज इस रैली की क़यादत कर रहे हैं और इस रैली की सरपरस्ती निभा रहे हैं। पूरे देश भर में जब से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1857 की आज़ादी का जंग की शुरुआत की गई, तब से लेकर सन 1947 तक देश की आज़ादी में हज़ारों लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, जिसकी मिसालें हज़ारों किताबों में, हज़ारों मिसालें, हज़ारों सबूत मौजूद है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक के 5000 से ज़्यादा उलमाओं की लाशों को पेड़ों से लटकाया गया। तब कहीं जाकर जश्न यौम आज़ादी का ये दिन 15 अगस्त को हम मनाते हैं। हम बात करना चाहेंगे मौलाना मोहम्मद उमरैन साहब से भी, और इस देश को सही सिमत में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, यही आज यौम आज़ादी का पैगाम है। जश्न यौम आज़ादी जिस तरीके से मनाई जा रही है, हर दिन हर साल हम देखते हैं कि मौसम बदल रहा है, देश की आज़ादी के अंदर जिस तरीके से नौजवानों का जोश आ रहा है, ज़रूरी भी आना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस देश में अगर किसी ने दिया है तो वो मुसलमानों का इतिहास है, लेकिन मुसलमान इसे दिखावा नहीं करते थे, मन में अपनी देशभक्ति और कुल वतनी को रखते थे, तो ये कि ये दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ये सही है कि जो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा इधर इस साल या पिछले चंद बरसों में हो रहा है, वो पहले नहीं हुआ करता था या छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन मुसलमानों की हुब्बुल वतनी हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है, और हमारे बाप दादा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो कोशिशें की हैं उनको न भुलाया जा सकता है, न नज़रअंदाज किया जा सकता है, ना उनको फरामोश किया जा सकता है। हमारे बाप दादा ही ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी और उसको अंजाम तक पहुंचाने में अपने हिंदू भाइयों और मुल्क के दूसरे बाशिंदों को लेकर गैर मामूली अनथक मेहनत के बाद उन्होंने आज़ादी की नेमत हासिल की है। इस आज़ादी की नेमत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मुल्क को अमन, मोहब्बत, यकजहती के साथ लेकर आगे बढ़ें। नौजवानों के लिए मतलब क्या मैसेज देना? नौजवान अपने जोश खरोश का ज़रूर मुजाहरा करें, हदूद में रहते हुए अपने मुल्क की आज़ादी पर खुशी का इजहार करें, और इस बात को महसूस करें कि जब जब मुल्क पर कोई मुसीबत आई है, हमारे बाप दादा ने जिस तरह मुल्क की हिफाजत का कारनामा अंजाम दिया, उन्हें भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हर वक्त हर दम कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ चैनल से बात करें। चलते रहो बेटा, चलते रहो।